राहुल जी जिंदाबाद, राहुल जी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, सोनिया जी जिंदाबाद, वीर साहब जिंदाबाद, स्वेत जिंदाबाद। चलो जी बाकी पक्यों इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, फाउंडेशन डे जिंदाबाद, फाउंडेशन डे जिंदाबाद, फाउंडेशन डे जिंदाबाद। तो यार तो आज मैंने उनको दे दी, इनको भी दे दी। अपना परिचय दीजिए सर। रविंदर सिंह चन्नी, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस। आज मुल्क भर में कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये मनाया जा रहा है। कांग्रेस 1885 में मुल्क की सत्ता पे 70-75 लोग मिलजुल के उन्होंने इस कांग्रेस को एस्टेब्लिश किया और मुल्क को जब नया मुल्क बना उसको चलाने की कोशिश की। और मुल्क की सतह पे कांग्रेस ने जब बागडोर संभाली और मुल्क तरक्की की ओर गामजन हुआ, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, सड़कें बनी, रोड्स बने, अस्पताल बने और उसके साथ साथ बाहर के जितने भी मुल्क थे उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। और उस दौरे काल कांग्रेस को, जिस कांग्रेस ने मुल्क को आज़ादी दी, उस कांग्रेस ने इस मुल्क को आज तक संभाले रखा। एकता, अखंडता, आपसी भाईचारा उसको कायम दायम रखा। और आज हम उसी पार्टी का जिसने हिंदुस्तान नाम के मुल्क को जन्म दिया, आज़ादी दिलाई, उसका जो फाउंडेशन डे है वो आज मुल्क भर में और जम्मू कश्मीर रियासती कांग्रेस जो है वो मना रहे हैं। सर, जो डीलिमिटेशन का हुआ, क्या कांग्रेस को एक्सेप्ट करती है? देखिए, अभी हम डीलिमिटेशन जो भी उन्होंने जो नज़रिया उनका था, जो डीलिमिटेशन ने एक पेपर तैयार करके दिया, उसमें हमारे मेंबर तो थे नहीं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के MPs थे और उन लोगों को वहाँ पर वो पेपर दिया गया। उन लोगों ने उसमें क्या झांका, हमारे पास अभी रिपोर्ट जो है हमारे सामने आई नहीं। जब रिपोर्ट सामने आएगी उस पर चर्चा होगा और कांग्रेस उसके बाद उस पर टिप्पणी करेगी। थैंक यू सर।